सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रेश पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओरिगन्स कंपनी का जो कैस्टर यानी कि अरंडी ऑयल आता है, खास करके बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। और ओरिगन्स कंपनी के बारे में आपने सुना भी होगा दोस्तों, प्योर और नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है हेयर और स्किन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, कैस्टर ऑयल के हेयर और ये स्किन के लिए क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो दोस्तों, कैस्टर ऑयल के अंदर देखा गया है रिसिनोलिक एसिड एंड ओमेगा 6 का भरपूर मात्रा में उसका स्रोत होता है कैस्टर ऑयल, उसके अंदर पाया जाता है, जो खास करके हेयर ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ की समस्या उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद, और स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए भी ये दोनों बहुत फायदेमंद होता है। ओमेगा 3 ऑल ओवर हमारी बॉडी के लिए, साथ में स्किन हो या फिर हेयर हो, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो यही इंग्रेडिएंट्स जो एक्स्ट्रैक्ट होता है कैस्टर ऑयल के अंदर, तो इसी का बेनिफिट्स इस कंपनी ने लिया है और कैस्टर ऑयल बनाया गया है। यूं देखें तो दोस्तों, कैस्टर ऑयल का बेनिफिट्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में होता है, एक्सटर्नल स्किन और हेयर के लिए होता है, और इंटरनल देखें तो आपने सुना होगा कि कभी कब्ज की प्रॉब्लम होती है तो कैस्टर ऑयल पीने का सलाह दी जाती है। 1 या 2 चम्मच अगर रात को पीते हैं तो सुबह पेट साफ हो जाता है। तो ये कैस्टर ऑयल का इंटरनल भी एक बेनिफिट्स होता है इसका, लेकिन ये जो ओरिगन्स कंपनी का कैस्टर ऑयल है ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं हेयर स्किन और नेल सबके लिए बेनिफिट्स है। इसकी MRP देखे तो यहाँ पर 447 मिलेगा, लेकिन ये आपको डिस्काउंट पे ऑनलाइन परचेस करते हैं तो काफ़ी सस्ता मिल सकता है, 250 के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, अगर परचेस करना चाहे तो परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हेयर और स्किन दोनों के लिए अलग अलग इसके उपयोग है, तो चलिए जानते हैं कि हेयर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, इसके क्या फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेंशन किया गया है ट्रीट डैंड्रफ यानी कि डैंड्रफ की समस्या, इसके अंदर फायदा कर सकता है। हेयर फॉल अगर हो रहा है तो भी ये फायदा कर सकता है। साथ में इसके अंदर जो बना ओमेगा 3 जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है, यानी कि बालों का जो आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो भी ग्रोथ हो सकता है इनसे। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेइंग हेयर को प्रिवेंट करता है, यानी कि एक प्रकार के जो बाल जो ग्रेइंग कलर के हो जाते हो तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। साथ में एक प्रकार का नेचुरल कंडीशनर भी इसको हम कह सकते हैं, और जो हेयर का डैमेज होता है उनसे भी ये बचाता है। इस प्रकार से हेयर के जो भी प्रॉब्लम इतनी मैंने बताया, इस प्रकार से ये अगर है तो इसको ये फायदा कर सकता है। बात करते हैं स्किन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्किन के अंदर रिंकल पड़ जाते हैं तो उसको भी ट्रीट करता है, साथ में क्लीन भी करता है। एक्ने है अगर, या अग्नि खिल मुहासे की प्रॉब्लम है तो भी ये फायदा कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों, बूस्ट योर इंटरनल ग्रोथ, यानी कि जो स्किन का ग्रोथ ग्रो होता है, ग्लो कहते हैं जिसे हम एक प्रकार का ग्लोइंग स्किन कहते हैं, तो वो भी फायदा कर सकता है, इसके अंदर ग्लोइंग स्किन दे सकता है, साथ में मॉइस्चराइज तो है ही। साथ में यह देख सकते हैं कि सन बर्न्स की यानी कि सूर्य किरणों से जो नुकसान होता है स्किन को, तो वो भी ये ठीक करता है, सो उसके अंदर एक सूथिंग इफेक्ट देता है। ऑल ओवर देखें तो ये स्किन के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए अब जानते हैं तो इसका किस प्रकार से इस्तेमाल करना है हेयर के अंदर या फिर स्किन के अंदर। तो देख सकते हैं हेयर के अंदर करना है तो आपको इसको अपने स्कल पे यानी कि जो खोपड़ी पर आपको इसको मसाज करना है जेंटली, सर्कुलेशन मोड में आपको रात को करना है, बेटर रहेगा रात को कर दे तो, या फिर अगर कभी भी इसको इस्तेमाल करने के बाद 3 घंटे तक इसको रखना है, बाद में वॉश करना है, या फिर अगर बेटर ये रहेगा अगर रात को आप इस तेल से अपने बालों पर मसाज कर दें, स्कल्प पे मसाज करना है सर्कुलेशन मोड में, और सुबह उठकर इसको आप सर को धो सकते हैं, बाल धो सकते हैं इस प्रकार से, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देख सकते फॉर थिकनर, इसके अलावा सर के अलावा भी अगर आईब्रो है जो आपकी आई लेस है या फिर आईब्रो की, आप ये वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ बूंदी इसकी लीजिए और वहाँ पर आप सोने से पहले आईब्रो या फिर आई लेस पर आप उसको मसाज कर दीजिए, उनसे भी आपको फायदा हो सकता है। जिसकी आईब्रो काफ़ी कम ग्रोथ होता है उसके अंदर, तो भी ये बराबर आईब्रो बन सकती है इनसे। अब चलिए बात करते हैं स्किन के लिए क्या किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अमाउंट आप ओरिगन्स कैस्टर ऑयल का लीजिए और अपने फेस पर मसाज कीजिए, अंडर आई जो काले आंखों के नीचे जो काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले प्रकार का दिखाई देता है जो आंखें, तो उसके अंदर भी फायदा कर सकते हैं, वहाँ पर आप मसाज कर सकते हैं उसको सर्कुलेशन मोड में। उसके बाद में आप इसको धो दीजिए 15-20 मिनट तक, इसको मसाज करने के बाद आप अपने धो सकते हैं। इसके अलावा इनसे क्या होगा कि एक प्रकार के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं आपकी स्किन के पोर्स, जिसके अंदर ये ऑयल जाता है तो एक प्रकार सूथिंग इफेक्ट देता है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहे तो स्टीम लेना चाहते हैं तो कुछ बूंदे गुनगुने पानी के अंदर अगर डाल दें इसके,
और अगर स्टीम लेते हैं जो, तो भी आपके चेहरों को फायदा कर सकता है। इस प्रकार से स्टीम भी ले सकते हैं इसको, ऑयल को अंदर गर्म पानी के अंदर डालकर स्टीम लेते हैं तो भी फायदा कर सकता है। इस प्रकार से स्किन और हेयर के लिए काफ़ी फायदेमंद है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके बोतल के अंदर खोल के हम देखें तो किस प्रकार से बोतल दी गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव पैक में दिया जाता है ये। और ये इसकी ओरिगेंस कंपनी की प्योर और नेचुरल प्रोडक्ट के कंपनी दावा करती है। ये 100 ml की बोतल है, यहाँ पर देख सकते हैं मेड इन इंडिया 100 ml है, जिसकी एमआरपी मैंने बताया इस प्रकार से 250 रुपये में आपको ऑनलाइन स्टोर पर मिल सकेगी। आप चाहे तो परचेस करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ पर परचेस कर सकते हैं, या फिर मेडिकल स्टोर पर शायद मिलना संभवित नहीं होगा तो ऑनलाइन ही परचेस करेंगे तो काफ़ी फायदे में रहेंगे। अब बात करते हैं इसकी जो साइड इफेक्ट्स की दोस्तों, ये प्योर नेचुरल है, कैस्टर ऑयल तो यूं ही हमारे घर में इस्तेमाल इसका होता है, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल ही। अगर किसी रेयर केस में अगर किसी को साइड इफेक्ट्स जैसा लगता है या फिर जलन जैसा लगता है तो इसको इस्तेमाल करना बंद कर दें। देखा गया यूँ तो कभी नहीं होगा, लेकिन इसका एक्सटर्नली यूज़ करना है, इंटरनल नहीं करना है, मुंह में आँख में न जाए इसका थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार से इसका जो कंपोजिशन बनाया गया है एक्सटर्नल यूज़ के लिए। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको जो ओरिगेंस कंपनी का कैस्टर R&D ऑयल के बारे में पूरी जानकारी दी है। आशा करते वीडियो पसंद आएगी, कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके और हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।